नमस्कार। किस्से और कहानियाँ, बातें और पहेलियाँ, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, बातें समझदारी की, खबरें दुनियादारी की, मनोरंजन के रंग सब रंग के संग। चारों तरफ शोरगुल, हो हल्ला, झंडे, नारे और जीतेगा भाई जीतेगा की बुलंद आवाजें, नई कस्में, नए वादे, बड़े बड़े पोस्टर और पुरानी दीवारों पर चिपके नए उम्मीदवारों के पुराने चेहरे। एक बार फिर समय आ गया था चुनाव का। चुनाव जो प्रजातंत्र का एक सशक्त हथियार है। चुनाव काल चक्र का वो हिस्सा जब जनता जनार्दन होती है और हर उम्मीदवार की नजर होती है जनता के वोट पर। वोट जिसे हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रार्थना, वादे, आरोप, सॉरी, थैंक यू, डोंट मेंशन। पेश है इलेक्शन इलेक्शन। अ पे बड़ा आ का मात्रा, र त पे बड़ी ई का मात्रा, आ र ती। हाँ भाई पानी और बिजली भी। स पे बड़ा आ का मात्रा, र सा र आगे। मैं अपने गांव के लिए प्राण भी त्याग सकता हूँ। स पे बड़ा आ का मात्रा, र फिर थ, थ पे बड़ी ई का मात्रा, सारथी, सारथी। एक बार प्रधान बन जाऊं तो सब कुछ बदल दूंगा। उठिए प्रधान जी, उठिए, उठिए, उठिए प्रधान जी। अरे प्रधान नथु नाई, उठ। मुझे कभी चुनाव जीतने नहीं देगी। जब भी माला गले में डालने लगती है ये नाई की लड़की। देखो हमारे घर वालों को बीच में मत डालो, नहीं तो हम कह देते अच्छा नहीं होगा। हाँ सुबह सुबह क्या किताबें लेकर बैठ जाती है, है? भाई पढ़ने लिखने से क्या होगा, बंद करिए पढ़ना लिखना। दो जगह काम करेगी तो दो पैसे भी घर में आएंगे। तो हमारे पढ़ाई से तुम्हें काहे परेशानी होती है, वैसे भी हम तुम्हारी तरह सपने देखना और गप्पे हाँकने से अच्छा ही काम करते। हाँ देख देख चुप कर, चुप कर, सुबह सुबह मुंह मत लग मेरे। हाँ अगर तुमने हमार कमाई पे पलने का ठान ही लिया है तो बात अलग है, कह दो ना साफ साफ। भाई तुझे समझाना तो मैं धोबी और प्रधान से तो एक बार जीत जाऊं, पर तू, पर तुझसे तो। अरे तो लड़ाई का ही करते हो, ये लो पेटी पकड़ो और जाओ। उखाई के पहन बनारस वाला खुल जाए बंद एकल का। मास्टर नमस्कार। नमस्कार चुभे, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है मास्टर। हो गया प्रधान। अरे मास्टर साहब। ओ प्रधान जी दाढ़ी बनवाई जा रही है। नमस्कार। हाँ नमस्कार। और बस वही स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं मास्टर जी, बड़े लोगों को साक्षर करके। हुजूर, मालिक, माई बाप, सरकार, अन्नदाता। अरे कोई परेशानी वरेशानी हो तो हमें कहिएगा, हम आप लोगों की सेवा के लिए ही तो यहाँ बैठे हैं। मुफत खोर का चाचा, सेवा करेंगे। वरना तुम्हारी भाभी तो कहती रहती है कहाँ भटकते रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, पैसे देते वक्त इनकी नानी मरती। और उधर मंत्री जी कि रामेश्वर सिंह शहर आ जाओ, कहाँ रखा है गाँव में मुफत कर बिल्ला। तो प्रधान होने के नाते ये तो हमारा फर्ज बनता है कि गांव का ध्यान रखें। ये तो बड़प्पन है सरकार का। सही फरमाया आपने प्रधान जी, जितना ध्यान आप गांव पर रख रहे हैं शायद ही कोई रखे। तो बस प्रधान जी गांव की बिजली पानी और सफाई को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां आपका ध्यान न गया। राम नाम जपना पराया माल अपना। अभी हम जरा जल्दी में आए मास्टर साहब, शहर जाना है मीटिंग में, सो बाद में मिलते हैं। जय। नमस्कार बहनों, आज ये हम आपके सिलाई केंद्र, अरे अच्छा हम आंगनवाड़ी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये सर खुजाकर अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए प्रधान जी। हंसा किसे बात कर रही है तू? प्रधान जी हमारे गांव के। दुख तो इसी बात का है कि गैर जिम्मेदार आदमी को हम गांव वालों ने
प्रधान चुन लिया है। क्या क्या मतलब है तेरा? मतलब जानना चाहते आप? तो सुनिए, आपकी प्रधानी के चलते आज तक हमें इस गांव में कभी भी साफ पानी पीने को नहीं मिला। आपकी प्रधानी के चलते जगह जगह बीमारियां फैल रही है, गंदगी फैलती है। शर्म तो आपको आनी चाहिए प्रधान जी, कि सब कुछ आपको नहीं दिखता। ठीक है हम देख लेंगे, हमें समझाने आई है। प्रधान जी समझाने तो मैं ये भी आई कि आजकल चुनाव सर पे है, अगर आपने कुछ न किया तो फिर हम गांव वालों को ही कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। तो और नाथ, तू तो बड़ा छुपा रुस्ता निकला रे, तेरी बीवी तो बड़ी जोर की नेता है, और तूने मुझे बताया तक नहीं। आज जाकर मैं उसकी अच्छी खबर लेता हूँ, हमारी इज्जत का तो उसको ख्याल ही नहीं है, नाक कटवा दी उसने भरी चौपाल में हमारी। नाथू, ये औरत जात होती ऐसी है, तू काहे इनके चक्र में पड़ता है? देख क्या है ये? रामबाण है, रामबाण। ये तो भैया किताब है। अरे नथू, ऐसी वैसी किताब नहीं, लाख दुखों की एक दवा है, एक दवा है। अच्छा, इससे गरीब से अमीर कैसे बना जाता है, काले से गोरा कैसे बना जाता है, पतले से मोटा कैसे बना जाता है ना तू? इसमें लिखा है प्रधान कैसे बना जाता है। अच्छा, ए भैया, भैया रे, एक बार ये पढ़ के हमको सुनाओ ना। अरे नाथ, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं खुद ही प्रधान नहीं बन जाता। ओ भैया, तो हम यहाँ कौन सा पोथिया बाजे बैठे हैं? तेरी मेहरानी को तो पढ़ना लिखना आता ही होगा, तो बस बन गया तेरा काम। तू तो मुझे अभी से प्रधान नजर आने लगा है रे। नाथू पर्दान। एक बात है ना, तू अगर ये किताब मेरी होती तो मैं तुम्हें फ्री में दे देता, पर जिससे हम ये किताब ले रहे हैं ना, उसे हम तुम समझ गए होगा ना नाथू? समझ गया। कितने की है ये किताब? बस 100 रुपए की। 100 रुपए की? भैया हम तो बहुत गरीब आदमी है भैया, इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं। ना तो भैया, एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे ना? पेटी है भैया, इनको हाथ नहीं लगाना, ये हमारी रोजी रोटी है भैया। प्रधान बनने के बाद भी लोगों की दाढ़ी मुझे साफ करोगे क्या? फिर क्यों साफ करेंगे? चलो ठीक है, ये पेटी तुम्हारी और वो किताब हमारी, मंजूर है? बोलो नाथ भैया। अच्छा तो नाथ भैया, कल मिलते हैं। अच्छा, राम राम, राम राम। प्रधान कैसे बनते हैं? सरकार, हमें मतलब समझाने आई थी पर वो जानती नहीं चौबे उसने किसकी बेइज्जती की है। इस गांव से दाना पानी ना उठवा दिया उसका तो हमारा नाम रामेश्वर सिंह नहीं। जीतेगा भाई जीतेगा।
जीत गया जो जीत गया नाथू भाई जीत गया भाई जीत गया नाथू भाई जीत गया। उठिए प्रधान जी। सुनिए आज काम पर नहीं जाना का? आपका तबीयत तो ठीक है ना? हंसा मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। कौन सी चीज? तू पढ़ना तो जानती है, इसको पढ़कर दिखाना। अरे ये अलग पलट क्या कर रही है, इसको पढ़कर दिखाना इसमें क्या लिखा है। धत ए पढ़ना। अच्छा ठीक है हम पढ़ते हैं। इन्हें लिखा है गर्भावस्था एवं शिशु पालन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे पेट में बच्चा उसका देखभाल। अरे अरे देख मजाक मत कर, इसमें लिखा होगा कि प्रधान कैसे बने। वो चोबे तो कौन कौन दे रहा तुम्हें किताब? चोबे चोबे मुफ्त में दे रहा? वो चोबे को हम अपनी बेटी बेच दिए, पर उसने तो कहा था इसमें लिखा कि प्रधान कैसे बने। उसने कहा और तुम मान ली, अपना रोजी रोटी बेचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया? कम से कम हमारा ख्याल तो किया होगा। बेटी बेचा, एक दिन चौबे तुमसे कहेगा कि हम तुम्हें प्रधान बनाए देते हैं, उसके बदले में तुम हमें अपना घर वाली दे दो, तो हमें थमाना उसके हाथ में जाकर। हंसा चिल्लाओ मत, ये ले। मास्टर जी। अरे नाथू सुबह ही सुबह क्या बात है? इस किताब में क्या लिखा मास्टर जी? चौबे ये किताब हमको ये कह के दिए कि इस किताब को पढ़कर तू जरूर प्रधान बन जाएगा, पर हंसा कहती इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। हंसा ठीक कहती है नाथू, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा? लिखा तो बहुत कुछ है, मगर प्रधान कैसे बनते इसमें ये नहीं लिखा। हम तो लुट गए मास्टर जी, इस किताब के चक्कर में अपनी रोजी गवा बैठे। हंसा जब पढ़ती थी तो हम उसका मजाक उड़ाते थे, अब तो पूरा गांव हंसेगा हम पर। इसीलिए तो कहता हूं नाथू, अगर आज तुम पढ़े लिखे होते तो ये तुम्हारा कोई बेवकूफ बनाता? हाँ मास्टर जी, अब चुनाव का वक्त आ गया। चुनाव? हाँ मास्टर जी, सही चुनाव। अब हम समझ गए हैं, अगर हमें कुछ बनना है तो पहले साक्षर बने। चलो देर आए दुरुस्त आए। अरे हाँ नाथू, तुझे तो आज हंसा के साथ जाना था ना? हंसा के साथ कहाँ? अरे वो सब गांव वालों ने तय किया था ना कि हंसा को गांव के प्रधान का चुनाव लड़वाना है, इसलिए उसका नामांकन करवाना है। हंसा को जिताना है, हंसा को जिताना है, जीतेगी भाई जीतेगी, हंसा साक्षर जीतेगी। लाला और गुल कहाँ से आते हैं? अब्र क्या चीज है, हवा क्या है? अचानक ये शेरो शायरी, और वो भी गालिब साहब की? जी हाँ, क्योंकि शेर में छिपा है गालिब साहब का साइंटिफिक नजरिया, हर चीज को गहराई से जानने की इच्छा, चाहे वो इंसान की बदलती किस्मत हो या खुदा की कुदरत, चाहे वो समुद्र की अथाह गहराई हो या दूर तक फैली आसमान की चादर। गालिब साहब हर बात पर कहते ऐसा क्यों? लगता है सबरंग ने हमारे दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। अच्छा, क्या आप उनके पत्र पढ़ रही हैं? जी हाँ, हमारे दोस्त ने एक रोचक सवाल पूछा है जो हम रोजाना देखते हैं पर शायद उसके बारे में सोचते ही नहीं। भाई वाह, क्या सवाल है! क्या सवाल है? ये पूछते हैं आसमान नीला क्यों होता है, यानी काला पीला हरा क्यों नहीं? तो आइए देखते हैं होता है ऐसा क्यों। मान लीजिए ये पानी से भरा हुआ बर्तन पृथ्वी के आसपास का वायुमंडल है, और ये टॉर्च सूरज। सूरज का तेज प्रकाश वायुमंडल से गुजरता हुआ धरती पर जाकर पड़ता है। ये क्या, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो शायद इसलिए कि पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडल कभी इतना साफ होता ही नहीं है,
उसमें धूल के कण, प्रदूषण और अनेक गैसों के कण होते हैं। सो तो है। तो चलिए हम भी अपने वायुमंडल को थोड़ा प्रदूषित कर देते हैं। ये मेरे पास कुछ चौक पाउडर है जो मैं इस पानी में मिला देता हूं। तो अब इस प्रदूषित वायुमंडल से हम अपनी सूर्य की श्वेत किरणें गुजरने दें। श्वेत किरणें? आपको ये तो याद ही होगा कि प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है। जी बिल्कुल। अब जरा इन किरणों को इधर से देखिए। अरे ये तो नीली नजर आ रही हैं। वो इसलिए कि सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से गुजरती हैं, तो वायुमंडल के कणों से टकराकर सबसे पहले नीला रंग बिखर जाता है और इसीलिए आपको आकाश नीला नजर आता है। अगर वायुमंडल में कण नहीं होते तो आसमान नीला नहीं होता? हाँ बिल्कुल, तभी तो अंतरिक्ष काला नजर आता है। वायुमंडल के कारण सुबह और शाम हम एक और खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। वो क्या? इन्हीं किरणों को अब आगे से देखते हैं। ये तो लाल नजर आ रहा है। जी हाँ, सामने से देखने पर हमारा सूरज आपको लाल नजर आता है। यही सुबह उगते और शाम को डूबते सूरज की लाली है जो हम रोज देखते हैं। अब समझ में आया, सूरज की श्वेत किरणें जब वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराती हैं, तो नीला रंग पहले बिखरता है मगर लाल उससे कम बिखरता है और वायुमंडल में दूर तक नजर आता है। सुबह और शाम के समय सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है और इसीलिए आसमान में लाली छाई रहती है। जी, इन सब बातों से आप शायद एक और बात समझ ही गई होंगी। वो क्या? कि खतरे का निशान हमेशा लाल रंग में ही क्यों दिखाया जाता है? खतरे का निशान लाल क्यों होता है? तो आप ही बताइए, होता है ऐसा क्यों? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संगम शरणं गच्छामि। जब पहली बार युवराज सिद्धार्थ का सामना बीमारी, बुढ़ापे, दुख और मृत्यु से हुआ, तब उनके मन में कई सवाल उठे। अपने प्रश्नों की खोज उनको ले गई निर्वाण की ओर और तब उन्होंने जाना, दुख रूप यह संसार है, तृष्णा ही इसका मूल है, लेकर अहम की भावना जीवन बिताना भूल है। जब नष्ट हो ये भावना तभी संभव निर्वाण है। और इन्हीं विचारों में रची बसी है हमारी आज की यात्रा, यानी सैर सपाटा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर में रानी महामाया के गर्भ से भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन के 29 वर्ष सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए गुजारे, परंतु 29 वर्ष की आयु में उन्होंने इस भौतिक दुनिया का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों की घोर तपस्या की तपोभूमि, जिसे बाद में बौद्ध गया के नाम से जाना गया। इस स्थान पर राजकुमार सिद्धार्थ को बौद्ध की प्राप्ति हुई और तभी से उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। सर्वप्रथम सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया और फिर शुरू हुई बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन की यात्रा। गौतम बुद्ध को जेठमल विहार बहुत प्रिय था। यहाँ उन्होंने 25 साल निवास किया और गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उपदेश दिए। जहाँ एक और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए विनाश को देखकर कभी न युद्ध करने का प्रण किया और वो बौद्ध भिक्षु बन गए, वहीं दूसरी ओर श्रावस्ती का डाकू अंगुलीमाल को कौन नहीं जानता। डाकू अंगुलीमाल जब गौतम बुद्ध से मिला तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी बौद्ध भिक्षु बन गया। पावापुरी में बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यहीं पर उन्होंने शरीर का त्याग कर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आज फिर हमारे लिए समझदारपुर के समझदार सिंह लाए हैं एक खास रिपोर्ट। समझदार सिंह जो कभी वैद्य है तो कभी मरीज, कभी दर्द तो कभी दवा, एक ऐसे छुपे रुस्तम जो जमाने की खबर रखते हैं। जमीन तो क्या है, आसमान की खबर रखते हैं। साक्षरता समाचार में आज पहली खबर उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी काशी से, जहां अक्षर सैनिकों ने साक्षरता अभियान को एक नई दिशा दी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ निरक्षर लोगों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है। यहां लोगों के पढ़ने लिखने की रुचि का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि आज महिलाओं ने साक्षर होने की इस होड़ में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। लोगों में गीत नाटक द्वारा साक्षरता का प्रचार किया जा रहा है। सचमुच पढ़ने पढ़ाने के साक्षरता अभियान को यहाँ के लोगों ने एक सही मकाम तक पहुँचाया है। हाल में ही जिला साक्षरता ग्वालियर ने अपने नव साक्षरों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया। ज्ञान से मिले सम्मान, साक्षरता ही स्वतंत्रता की कुंजी है, ये संदेश नव साक्षरों तक पहुंचाए गए। पढ़ना होगा, लिखना होगा, सबको साक्षर होना होगा, कुछ ऐसा प्रण किया है ग्वालियर जिले के साक्षर कर्मियों ने। गांव शहर से निरक्षरता को खत्म करने का इनका प्रण आज उत्तर साक्षरता अभियान तक आ पहुंचा है। इनके इसी जोश को देखते हुए जिला साक्षरता ने इन्हें अक्षर सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया। सचमुच इन आखर सेनानियों का काम सराहनीय है। और अब एक नजर झलकियों पर। आगरा का दिगनेर गांव, जहां आज साक्षरता के स्वर गांव में बच्चे बच्चे की जबान पर है, और आज गांव में साक्षरता की यह अलग जगाई है चंद्रमान सिंह तोमर ने, जो साक्षरता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में लगे हुए हैं। फिल्मी गीतों और लोक गीतों को साक्षरता के शब्द देकर गांव में घूम घूम कर चंद्रभान जी लोगों में साक्षरता का प्रचार कर रहे हैं। सोनियाना गांव की भवरी मोट सिंह को साक्षर होने के बाद यह एहसास हुआ कि अब वो भी अपने लिए एक सुंदर भविष्य बना सकती हैं। स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर भवरी देवी ने अपने पति के लिए गांव में ही परचून की दुकान खोली। आज दुकान तो अच्छी चल ही रही है, साथ ही भवरी मोट सिंह ने लोन भी चुकता कर दिया है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का बेसनगर गाँव, जहाँ आज सतीश खत्री जो कि पेशे से वकील हैं, गांव वालों में साक्षरता का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को पढ़ाने के पीछे उनका उद्देश्य है अपने गांव को संपूर्ण साक्षरता का दर्जा दिलाना। और अब हमारे विशेष संवाददाता समझदार सिंह की एक रिपोर्ट। भाई, हमारे गांव में एक नन्ने बाबू है, नाम के नन्ने, उम्र भाई क्या वे है कि आदमी से उसकी तनख्वाह और नन्हे बाबू से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती। क्या और मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, नन्ना निन्ना निन्ना निन्ने निन्ने, मुझे कोई जंगली कहे। एक दिन मैं नन्हे बाबू के घर गया, कमर में घुसते भाई मैं तो दंग रह गया। नन्हे बाबू जितेंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब मेरी समझ में आया कि नन्हे बाबू अभी तक नन्हे क्यों है। भाई मैंने नन्हे बाबू के चुटकी भरी। ए भाई नन्हे बाबू, ये आंख में लाल लाल डोर है, ठंडी में पसीना कौन मिल गया। अरे नहीं मेरे समझदार सिंह, ये तो फिल्म जंगली का गाना है शम्मी कपूर का। भाई मारा दिमाग ठनका, मैं नन्हे बाबू से बोला, ए भाई नन्हे बाबू, यो तो मैंने किसी बीमारी के लक्षण नजर आवे हैं। बस बस अपनी आदत सुधारो, मिलते बाद में हो बीमारी पहले खोजने लगते हो। पिछले जन्म में डॉक्टर के गले के आला तो नहीं थे। हाय, मुझे कहीं वो तो नहीं हो गया। भाई एक दिन नन्हे बाबू मारे घर आए, उसने देखते ही मारा तो दिमाग ठनका। मैंने कहा अबे भाई गांव में भी बसा नहीं, लूट कौन ले गया। मैंने नन्हे बाबू से पूछा, क्यों भाई कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ नहीं समझदार सिंह, बहुत कुछ होता है। अच्छा नन्हे बाबू, यू कुछ कुछ के और क्या लक्षण है। समझदार सिंह तुम फिर शुरू हो गए। दिल धड़कता ना नन्हे बाबू। हाँ सुबह उठते चक्कर भी आते होंगे, सिर में दर्द भी होता होगा, और जरा जरा सी बात पर झुंझुलाट और गुस्सा। हाँ भाई हाँ। अरे भाई ये कहीं वो तो नहीं हो गया नन्हे बाबू। क्या इस बीमारी ने बोले हैं उच्च रक्तचाप। भैया तुम्हारी भी हालत मेरी तरह हो तो खुश ना हो, किसी डॉक्टर से जाके जांच करवा लो। और भाई नमक का इस्तेमाल खाने में बिल्कुल बंद कर दे, और हाँ घी तेल का खाना तो कतई ना खाएं, चीनी और रेशे वाले पदार्थ बिल्कुल बंद। उच्च रक्तचाप की बीमारी हर तीसरे आदमी ने है, इसलिए अपने दिल की धड़कन को पहचानो, वरना यही बोलते रहोगे और दिल ले गई ले गई ले गई, दिल ले गई ले भी जावेगी। मैं समझदारपुर से समझदार सिंह। आज सुबह आपका कार्यक्रम देखा और यह कार्यक्रम मेरा हो गया, हमारा हो गया। अब यह कार्यक्रम सिर्फ आपका नहीं रहा, हम सबका, सभी जाति पाति धर्मों वाले, सभी रंगों ढंगों में ढलने वाले और सभी रंगों में रहने वाले बिखरे हुए रंगों के लोगों का है, सब रंग है। ये पत्र लिखा है नितिन ने रायगढ़ महाराष्ट्र से। हमें हर हफ्ते आपके पत्रों का इंतजार रहता है, क्योंकि आपके पत्र हमारा हौसला बढ़ाते हैं
और हमें एक नया उत्साह देते हैं। तो इस हफ्ते भी हमें पत्र जरूर लिखिएगा। हमारा पता है सबरंग, पीओ बॉक्स 3848, नई दिल्ली 110049। तो हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। नमस्कार।